हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरी तरह देखना एंड अच्छा लगे तो वहाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के चार्जेस के बारे में। एंड एक्सिस बैंक अभी कुछ ही दो या तीन दिन पहले नया चार्ज लागू किया है। एंड ये चार्ज 1 मई 2021 से लागू होने वाला है। दोस्तों आप एक्सिस बैंक के कस्टमर तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि बैंक ने अभी SMS चार्जेस एंड उसका जो मंथली एवरेज बैलेंस की जो लिमिट को रिवाइज करने का ऐलान किया है। एंड बैंक ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। इस प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक ने कैश विड्रॉल पर फीस भी बढ़ा दिया है एंड SMS चार्ज भी बढ़ा दिया है। कस्टमरों को जुलाई 2021 से SMS सर्विस के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। एंड बैंक की ओर से प्रमोशनल मैसेज एंड OTP मैसेज पर कोई भी चार्ज नहीं है। एंड और इस जो प्रमोशनल मैसेज है OTP मैसेज पर आप जो चार्जेस नए चार्जेस उसमें लागू नहीं होने वाला है। तो दोस्तों इसके अलावा एक्सिस बैंक ने अगले महीने यानी 1 मई 2021 से जो मंथली एवरेज बैलेंस को लिमिट को बढ़ा दिया है। एंड इसमें जो आपको एक मंथली बैलेंस को मेंटेन करना होगा, नहीं तो आपको चार्जेस लगेगा। तो आइए जानते कौन सा लोकेशन में कितना मेंटेन जो बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। तो पहले जानते मेट्रो शहरों में। दोस्तों मेट्रो लोकेशन में एक्सिस बैंक के इजी सेविंग स्कीम वाले जितने भी अकाउंट है उसमें आपको मिनिमम मंथली बैलेंस को लिमिट को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया है। एंड ये सभी घरेलू जो रेसिडेंट अकाउंट एंड NRI ग्राहकों को भी लागू होने वाला है। तो दोस्तों अभी 10,000 है एंड 1 मई 2021 से इसका जो लिमिट है वो 15,000 होने वाला है, यानी आपको मंथली बैलेंस 15,000 रखना होगा। एंड ये सब जितने भी रेसिडेंट कस्टमर है एंड NRI ग्राहकों पर भी लागू होने वाला है। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं अभी सेमी अर्बन लोकेशन में कितना मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन करना होगा। दोस्तों सेमी अर्बन जो लोकेशन में जितने भी प्राइम अकाउंट रखने वाले जो कस्टमर है उनको मिनिमम 15,000 रुपये या 1,00,000 रुपये का टर्म डिपॉजिट रखना होगा उसका जो लिमिट है। एंड उसका लिमिट होता था, अभी इससे उसको जो बढ़ाकर 25,000 रुपये या 1,00,000 रुपये का टर्म डिपॉजिट कर दिया है। एंड जो प्राइम वेरिएंट बैंक अकाउंट में डिजिटल प्राइम सेविंग डोमेस्टिक एंड नॉन रेसिडेंट प्राइम या लिबर्टी स्कीम वाले अकाउंट भी शामिल होंगे और इससे 1 मई 2021 में लागू कर दिया जाएगा। वहीं लिबर्टी स्कीम अकाउंट वाले ग्राहकों को पहले 15,000 रुपये मासिक जो मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता था या हर महीने 25,000 रुपये खर्च करने होते थे, लेकिन अभी इससे इसका जो लिमिट था उसको बढ़ाकर 25,000 रुपये मासिक जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना होगा। एंड या उतना ही रकम हर महीने खर्च करनी होगी, यानी 25,000 रुपये खर्च करनी होगी। जो पहले 15,000 था वो अभी 25,000 हो गया है। तो अभी आए जानते ग्रामीण इलाके में रूरल लोकेशन में कितना को मंथली बैलेंस मेंटेन करना होगा। ग्रामीण इलाकों में आपको प्राइम अकाउंट होल्डर्स से उनको पहले 15,000 रुपये मासिक या 1,00,000 रुपये का टर्म डिपॉजिट रखना जो लिमिट होता था। एंड अभी इस लिमिट को 25,000 रुपये मंथली कर दिया गया है, जबकि लिबर्टी स्कीम वाले अकाउंट होल्डर को अभी 15,000 रुपये की जगह 25,000 रुपये मेंटेन करना होगा या हर महीने 25,000 रुपये के खर्च करने होंगे। तो जो ग्रामीण इलाकों में जितने प्राइम अकाउंट होल्डर है उनको 15,000 रुपये था एंड अभी ये 25,000 रुपये हो गया, या 10,000 रुपये बढ़ गया है। पहले 15,000 रुपये है, अभी भी 15,000 रुपये, लेकिन 1 मई से ये 25,000 रुपये को बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो दोस्तों लेकिन चार्जेस को वो थोड़ा कम हो गया है। बैंक ने अभी ग्राहकों को जो कस्टमर को उनको मिनिमम मंथली बैलेंस नहीं मेंटेन करने पर जो पेनल्टी लगता था वो मिनिमम बैलेंस 150 रुपये लगता था एंड उससे अभी कम करके मिनिमम 50 रुपये कर दिया, यानी 100 रुपये घट गया है। तो मिनिमम बैलेंस 150 था, अभी ये 50 रुपये हो गया है एंड मैक्सिमम 800 रुपये जो है अभी भी मैक्सिमम बैलेंस 800 रुपये ही रहेगा। एंड ये सभी लोकेशन के लागू हो गया है, यानी मेट्रो लोकेशन, सेमी अर्बन या रूरल लोकेशन भी ये लागू हो गया है। तो दोस्तों ये रहा एक्सिस बैंक का जो नया चार्जेस। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अपनी कमेंट में बताइए एंड अच्छा लगे तो वहाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।